नमस्कार दोस्तों एस आर जे खेती चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आम की खेती के ऊपर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप आम की खेती करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए खेती का चुनाव यानी खेत का चुनाव करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कौन सी जलवायु में आम की खेती सबसे उपयुक्त होती है इस सब विषय के ऊपर मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी एस खेती को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम जलवायु की बात कर लेते हैं कि आम की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है किस जगह पे आम की खेती सबसे उपयुक्त रूप से की जा सकती है तो दोस्तों आम की खेती के लिए सबसे अच्छी जगह वो मानी जाती है जहाँ पे अच्छी वर्षा होती हो और अच्छी गर्मी पड़ती हो यानी तेईस से तीस डिग्री तक जो तापमान होता है वो रहता हो और बरसात भी ठीक ठाक हो जाती हो उन जगहों पर इसकी खेती बिल्कुल ना करें जहाँ पे तेज हवाएं चक्रवात चलती रहते हो यानी जहाँ पे चक्रवात आते रहते हैं तेज़ हवाएं हमेशा चलती रहती है वहाँ पे आप वो आम की खेती बिल्कुल ना करें तेज़ हवाएं व चक्रवात की वजह से जो आम की खेती होती है उसके लाभ में काफ़ी कमी देखी गई है आम के पुष्प यानी फूल झड़ जाते हैं फल भी झड़ जाते हैं इसकी समस्या देखी जाती है तो आप उन जगहों का चुनाव ना करें जहाँ पे अधिक मात्रा में तेज हवाएं आंधी आती हो चक्रवात आती हो और असमय बारिश होती हो तो ये तो हो गई बात उसकी जलवायु की अब हम बात कर लेते हैं कि ज़मीन का चुनाव कैसे करना चाहिए किस मिट्टी में अच्छे से हम आम का पौधा लगा सकते हैं ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं तो अगर मिट्टी की बात की जाए तो उचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मानी गई है आम की खेती के लिए आप अधिक बलुई, पथरीली छारीय व जल भरा वाली मिट्टी का चयन न करें जिस खेत में अधिक बलुई मिट्टी हो पथरीली मिट्टी हो छारीय मिट्टी हो व जल भराव की समस्या रहती हो उस खेत में आप आम की खेती बिल्कुल ना करें आम की बागवानी बिल्कुल ना करें आम को लगभग पूरे देश में कहीं भी उगाया जा सकता है लेकिन जो मिट्टी है वो बलुई दोमट या दोमट मिट्टी होनी चाहिए ज़्यादा बलुई मिट्टी हो तो भी आप आम की खेती ना करें अब हम बात कर लेते हैं कि रोपाई से पहले हमें अपने खेत में अपने बाग़ में क्या करना चाहिए जहाँ पे हम आम की फसल आम की खेती आम की बागवानी करना चाहते हैं उस ज़मीन में रोपाई से पहले क्या करना चाहिए तो दोस्तों ज़मीन की सबसे पहले गहरी जो करवा लें उसके बाद पाटा लगा के खेत को पूरी तरह से समतल बना लें खेत को समतल बनाने से जो पानी की निकासी की व्यवस्था होती है वो भी काफ़ी दुरुस्त हो जाती है पानी का भराव नहीं होना चाहिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है आम के पौध लगाने के लिए आपको मई से जून माह में गड्ढे की खुदाई कर लेनी है यानी खेत की जुताई करने के बाद आपको गड्ढे की खुदाई करनी है गड्ढे की खुदाई आप मई से जून माह में कर लीजिए अगर आपके खेत में दीमक की समस्या आ रही हो तो आप क्लोर पायरी पास का पाउडर जो आता है उसको गड्ढे में जब मिट्टी आप भर रहे हैं उससे पहले मिला दें क्लोर पायरीफास पाउडर आपको गड्ढे में मिट्टी भरने से पहले मिला देना है यदि दीपक दीमक की समस्या आपके खेत में आ रही हो तो अब हम बात कर लेते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए अब पहले हम बात करेंगे उपजाऊ मिट्टी यानी उपजाऊ ज़मीन जो हमारा खेत उपजाऊ है उसमें हमें क्या करना चाहिए तो जिस जिस खेत की मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ पे आप बारह गुड़े बारह मीटर की दूरी पर पौधा लगाएं यानी बारह आपको पौध से पौध की दूरी और बारह मीटर आपको पौध से लाइन लाइन से लाइन की दूरी बारह मीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी आपको बारह मीटर रखनी चाहिए जो मिट्टी आपकी उपजाऊ हो उस खेत में अगर कम उपजाऊ या शुष्क मिट्टी है तो वहाँ पे आप 10 से 10 यानी 10 गुड़े दस मीटर की दूरी रखें जो बौनी किस्में होती हैं जैसे अम्रपाली आपकी एक किस्म हो गई इसके लिए आपको ढाई मीटर गुड़े ढाई मीटर की दूरी पर आपको अपने पौध लगाने हैं। ढाई मीटर आपको लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी भी ढाई मीटर रखनी है बौनी या अम्रपाली प्रजात के लिए अब हम कुछ प्रजातियों के बारे में भी जान लेते हैं जिनकी खेती अगर हम करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हम कमा सकते हैं तो सबसे पहले दशहरी हो गया आपका लंगड़ा हो गया चौसा हो गया सब उन्नत प्रजातियां हैं इनमें आप अधिक पैदावार ले सकते हैं दशहरी लंगड़ा चौसा बांबे ग्रीन तोता परी हिमसागर नीलम आदि उन्नत प्रजातियाँ जो हैं इनकी आप इनके पौध ला लगा सकते हैं पौध हमेशा अच्छी नर्सरी से आपको लाना है सही क्वालिटी के पौधे लाना है डैमेज पौधा आपको नहीं लेना है यानी डैमेज पौधे आपको नहीं लेना है सूखे पौधे आपको बिल्कुल नहीं लेना है आम के पौधे को आपको बरसात के मौसम में लगाना चाहिए जहाँ पे अधिक वर्षा होती हो वहाँ पे आप बरसात के अंत में यानी जब आपका बरसात का सीज़न ख़त्म हो रहा हो वहाँ पर तब लगाएँ यह मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र के हिसाब से ही आप अपने आम की प्रजातियों का चयन करें आपके खेत में जिस प्रजाति के पौधे अच्छे से ग्रो हो सके उस प्रजाति का ही चयन करें हमेशा ग्राफ्टेड पौधा ही चुनें यानी जो कलम भी द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं उनका ही चुनाव करें देसी बागवानी बिल्कुल ना करें इनमें आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा पौधे भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं और काफ़ी देर में इसमें फल आते हैं अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की यानी खाद की तो अगर बात की जाए आम के पौधे की तो इसमें नाइट्रोजन पोटास और फॉस्फोरोस का प्रयोग आपको करना चाहिए अगर कंपोस्ट की बात की जाए तो गोबर खाद का प्रयोग आप बुआई से पहले कर दें इसके बाद में आपको समय समय पर इसमें फ़र्टिलाइज़र ऐड करते रहना है अगर बात की जाए सिंचाई की तो जब आपके पौधे छोटे रहें यानी जब आप लगाएं उसके बाद में आपको दो तीन दिन के अंतराल पे या चार दिन के अंतराल पे गर्मी के दिनों में आपको पानी देते रहना है सर्दी में आप सप्ताह में एक बार या दस दिन में आप पानी दें पाँच वर्ष से बड़े पौधों को आप चार से पाँच दिन पर और सर्दी में आठ से दस दिन पे जो पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें आप सप्ताह में एक बार पानी दे सकते हैं तो ये कुछ जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिया है अगर आपको जानकारी हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कोई जानकारी अगर छूट गई है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं हम अगले वीडियो में उसको जरूर सम्मिलित करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदे मातरम